What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. We try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like, what did this all mean? If there's no tomorrow, oh, you know I try to find a purpose in my life. नमस्कारम एंड वेलकम बैक दोस्तों. लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था मुंबई का एक खूबसूरत सा इलाका जिसका नाम था नरीमन पॉइंट. बहुत ही अमेजिंग सा लोकेशन है. आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर घूमने के लिए आइए यहाँ पर. और मुंबई में घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. और इसी सिलसिले में आज हम फिर जाने वाले हैं मुंबई के किसी और किसी टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए. तो आप भी चलिए हमारे साथ और मिलकर करते हैं एक्सप्लोर. तो लेट्स गो. यहाँ पर चरनी रोड स्टेशन है. आप यहाँ से उतरकर और रोड को क्रॉस करके आ सकते हैं नरीमन पॉइंट के लिए. यहाँ पर नरीमन पॉइंट का इलाका शुरू हो जाता है और उस पीछे की साइड में गिरगांव चौपाटी है. अगर चौपाटी पर आप आना चाहते हैं घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ या फिर कभी खुद घूमने आते हैं तो ये देखने लायक है ये जगह मुंबई की. और काफ़ी भीड़ होती है खासकर संडे के दिन यहाँ पर. तो ये भी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं घूमने के लिए. तो मैं यूज़ करूँगा ये सबवे. यहाँ से मैं रोड क्रॉस करूँगा और दूसरी जगह जाऊँगा. तो ये सबवे है, ये देखिए वहाँ से भी लोग आ रहे हैं और जहाँ से मैं आया हूँ यहाँ से भी. ये सीधा जाता है अंदर स्टेशन पर. दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. और यहां पर कुछ व्यू है कुछ इस तरीके का है. ये देखिए पीछे मेरा स्टेशन है, लोकल ट्रेन खड़ी है. और उस तरफ जो रास्ता है वो है, अगर आप कहीं दूसरी जगह दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ से जो मेन स्टेशन है, मेन पैसेंजर का स्टेशन वो उस तरफ है. और यहाँ पर ये टिकट घर है और काफ़ी पुराना स्टेशन है, हेरिटेज बिल्डिंग है. तो अगर आप स्टेशन में आते हैं तो ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जगह जगह इन्होंने सर्कल बना रखे हैं ताकि कोई भीड़ ना हो. प्रॉपर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हों और यात्रा करें, सेफ यात्रा करें. और ये देखिए इसी स्टेशन पर एक है, एक बड़ा सा पंखा, दो तीन पंखे लगे हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है. सीएसटी स्टेशन यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की हेरिटेज बिल्डिंग जिसमें मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ. बहुत बड़े बड़े पिलर हैं और अगर आप देखते हैं यहाँ इनको. We're still on the opposite side. Maybe we cross the line. Oh, you would make it me cry. And I know you know all the things that made us.
don't go. And I know you know all the things are us. I see how to let you go. Give my hand and follow me. तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का ओल्ड बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग। इसकी छत, इसके पिलर और इसके बेस में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी कलाकृति बनी है, अलग अलग स्टाइल की। बहुत पुराना है, एक यूनिक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये है स्टेशन। और स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट साइड में जाना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बाहर निकलते ही आपको मिलेंगे सबवे। इनको आप पार करके रोड क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। तो ये था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के अंदर का नज़ारा। और अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, तो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। ये देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है। वहाँ आगे से मिलेगी टैक्सी, या अगर आपको बस लेना है तो बस भी मिल जाएगी। ये देखिए, एक शेर की मूर्ति और एक बाघ की मूर्ति। और ये गेट है बड़ा सा, अंदर ऑफिस है रेलवे के, ये उसके लिए खुलता है। और ये इस तरीके से है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये देखिए, ये है बस स्टैंड। ये जो CST बिल्डिंग है, इसी के पास में बस स्टैंड है। और जो वो रेड लाइट है, वहाँ से आपको गेटवे ऑफ इंडिया के लिए टैक्सी मिल जाएंगी। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बिल्डिंग, यानी स्टेशन का बाहर का एक नज़ारा। और ये है इसके आसपास का व्यू। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, और इसी के साथ में है ये BMC की बिल्डिंग। बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जिस इंजीनियर ने छत्रपति शिवाजी महाराज को डिज़ाइन किया था, उसी ने जो ये BMC बिल्डिंग है, इसका भी उसी ने डिज़ाइन तैयार किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो पहली ट्रेन है वो चली थी 1853 में मुंबई और थाना के बीच में। तो ये वही स्टेशन है जहां से पहली ट्रेन चली थी। मुंबई के इस सबसे बड़े स्टेशन पर लाखों लोग ट्रैवल करते हैं डेली, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं या वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं, और बहुत ही बिजी रहता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ठीक सामने रोड क्रॉस करते ही एक सेल्फी पॉइंट है, जहां से आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा सा है, सफिशिएंट है। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और ये है इसके आसपास का जो एरिया है उसका एक व्यू। काफ़ी रोड निकलते हैं यहाँ से। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का जो पहले नाम हुआ करता था, वो होता था विक्टोरिया टर्मिनस, जब अंग्रेज़ यहाँ पर राज किया करते थे। जो ये बिल्डिंग है, तकरीबन 10-11 साल में बनकर तैयार हुई थी। 1878 से लेकर 1888 तक ये इस बिल्डिंग के निर्माण का कार्य चला था, बनकर तैयार हुई, और इसका नाम रखा गया विक्टोरिया टर्मिनस। तो ये है CST का लोकल स्टेशन। वहाँ से अगर बाहर आते हैं तो आप सबवे का यूज़ करके बाहर निकल सकते हैं, रोड को क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आपको जाना है गेटवे ऑफ इंडिया, तो वहाँ से आप सीधे आइए लेफ्ट टर्न करके, वो बस स्टैंड है, वहाँ से बस पकड़ सकते हैं। और जो रेड लाइट है आगे,
आगे एक रेड लाइट है, वहाँ से टैक्सी भी मिलती है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, नरीमन पॉइंट के लिए, यहाँ से आधा घंटा लगेगा। और ये है सीएसटी के आसपास का एक व्यू, शाम हो चुकी है, ये देखिए। तो सबवे वहाँ भी है, आप वहाँ से क्रॉस करके, इंटर लिंक है सभी, आप एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर सकते हैं रोड। और यहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने एक 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का एक बोर्ड लगा है उसकी याद में, और उसी के पास में है ये एक पुरानी तोप, और यहाँ पर मेमोरियल बना है यहाँ पे शहीदों के लिए। तो ये था एक व्यू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से उसके आसपास के एरिया का। अब चलता हूँ किसी दूसरे टूरिस्ट प्लेस पर, ये देखिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ से रोड क्रॉस करने के लिए हम सबवे का यूज़ करते हैं, तो मैं भी सबवे का यूज़ करूँगा।